विजितऋषिकवायुभिरदन्तमुनस्तुरगं जयजतन्ति यन्तुमतिलोलोमुपायखिद व्यसनसतामृतो समवहाय गुरोश्चरणं वनिजैवाज सन्तकृत कर्णधरा जलधौ। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, गुरु सेवा से बढ़कर और मंगल प्राप्ति का रास्ता दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, गुरु सेवा को छोड़कर, गुरु सेवा से बढ़कर इससे भी ज़्यादा मंगलजनक कोई पंथा नहीं है। सबसे बड़ा मंगलदायक पंथा है गुरु सेवा। गुरु शुश्रूषण नाम सर्वधर्मोत्तमोत्तमम तस्मात् धर्मात् परो धर्मो पवित्रम धर्मो न विद्यते। गुरु सेवा से और ज़्यादा फायदादायक कोई पंथा आज तक हुआ ही नहीं है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताए, अनुगत्यहीन व्यक्ति पशु के बराबर है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, अनुगत्यहीन व्यक्ति पशु का बराबर है। और ये भी बोल सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है, अनुगत्यहीन व्यक्ति पशु से भी बढ़कर गिरा हुआ है। पशु जो क्रियाक्रम नहीं कर सकता, अनुगत्यहीन व्यक्ति पशु से भी बढ़कर खतरनाक हो सकता है। अनुगत्य छोड़कर कुछ नहीं होता। जीवन जिंदगी में सबसे बड़ा चीज़ है अनुगत्य है। समाज संसार में जो अनुगत्य दिखाई पड़ता है, उसमें भी समाज का मंगल, समाज का उन्नति का व्यवस्था हो जाता है। और अपराकृत राज्य में सद्गुरु वैष्णव का अनुगत्य ये तो कहना ही क्या है। सद्गुरु वैष्णव का अनुगत्य तो करना ही चाहिए। भगवान का, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को जानने के लिए ये रास्ता तो जरूरी है। जब समाज संसार में पढ़ाई लिखाई करो कि कहाँ भी जाओ, ऑफिस कचौरी में जहाँ जाओ, वहाँ एक लाइन है, वहाँ भी अनुगत्य हैं। ये अनुगत्य छोड़कर समाज संसार का कोई व्यवस्था हो ही नहीं पाता। अपराकृत जगत में भगवत प्राप्ति का रास्ता में गुरु वैष्णव का अनुगत्य ये तो कहना ही चाहिए। तो तमाम शास्त्रों में यही बताया हुआ है, तमाम शास्त्रों में। जो श्लोक देके मैं शुरुआत किया था सुबह में भी ये बोला, लेकिन व्याख्या करने का समय नहीं मिला। विजितो ऋषि को वायु विरदंत मनोस्तुरगम, मन को पागला घोड़े का साथ तुलना की गई। मन को पागला घोड़े का साथ तुलना किया गया। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को पूछते रहे, बहुत सारे क्वेश्चन है, 11 स्कंदों में ये प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को शिक्षा दे रहे हैं भागवत तत्व विज्ञान का। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव
को उत्तर दे रहा है। उद्धव का क्वेश्चन है, भगवत भजन तो दूर की बात है, दुनिया का जो माया है, इल्यूजन है, ये दुनिया का जो माया है, जो रुकावट है, सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। माया का बाहर जाने का जो तरीका है, रास्ता है, ये किसी का दिमाग में आता नहीं। माया जय करने का जो रास्ता है, वो किसी का इच्छा नहीं कि माया जय का रास्ता में जाए। इच्छा ही नहीं है तो कैसे प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, देखो आप बोल रहे हैं तो माया जय करना, भगवत का भजन करना, ये तो माया जय करना इट्स अ वेरी इजी प्रोसीड्योर, बहुत बहुत इजी है। और अच्छे इजी है लेकिन बहुत कठिन है। गीता में भी ये क्वेश्चन आया था, ये प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने में क्वेश्चन रख दिया था। मनहा दुर्निरिग्रहम चलम, मन बहुत चंचल है, इसको बस में लाना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। और इफ देयर इज एनी वर्ड विच आई कैन यूज, इफ देयर इज एनी वर्ड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इज देयर एनी वर्ड? नो, इम्पॉसिबल असंभव का बाद अगर कोई शब्द है तो उसको भी लगा सकते हो, असंभव है, मन को बस में लाना संभव नहीं है। तो फिर क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर दिए उधर, अभ्यासेन तु कंतीय वैराग्येण च गृहते, अभ्यास करते चलो और टुडे और टुमोरो, आज नहीं तो कल तुम्हारा मन तुम्हारा बस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक सीक्रेसी है, बहुत सीक्रेट चीज़ है ये जो अभ्यासेन तु कंतीय वैराग्येण च गृहते, दैट अभ्यास इज कॉल्ड अभ्यास योग, इस कॉल्ड अभ्यास योग, इसको अभ्यास योग बोला जाता है। ये जो अभ्यास योग है ये अपने आप हो नहीं पाता। अभ्यास योग ये कोई सदगुरु वैष्णव का अनुगत्य में हो सकता है, ये किसी का दिमाग में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कृष्णम बंदे जगत गुरुम, अर्जुन का लिए अर्जुन खुद स्वीकार भी किया तुम गुरु हो, अब बोलो मेरे को बताओ बचाओ। तो कृष्ण भगवान का अनुगत्य में सारे पांडव लोग जो है वो अभ्यास जो किया, जो भी और नित्य पार्षद है फिर भी लीला करके दिखाया। अर्जुन को बोला भगवान, अभ्यासेन तु कंतीय वैराग्येण च गृहते, तुम अभ्यास करते चलो, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर हु इज सिद्ध, बी केयरफुल। जो खुद सिद्ध नहीं है वो किसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। कोई अगर सिद्ध नहीं है, ही कैन नॉट गेट कंट्रोल ओवर दिस सोसाइटी और डिसाइपल। शिष्यों का ऊपर अपना जो पावर है वो गुरु डाल सकता है, गुरु कैन गिव। बा आपका तरफ से भी एक तो ड्यूटी है, वो है 100% सबमिशन। गुरु शिष्य का अंदर में शक्ति संचार कर सकता है, ये हर हालत में सच्चा बात है। लेकिन इसमें एक गुप्त चीज़ है, वो है जो शिष्य को भी अपना तरफ से एक ड्यूटी है वो 100% शरणागत हो जाए। जब 100% शरणागत हो जाए तो गुरु से शक्ति शिष्य का अंदर में पहुंच जाएगा अचानक, उसका लिए कोई डाउट नहीं है। ये जो अभ्यास योग है, ये अभ्यास योग अपने आप हो नहीं पाता। ये मठ में जो शिष्य लोग जो कर रहा है, बट दैट ऑल आर अभ्यास योग, सब अभ्यास योग है। जितना सारे शिष्य लोग है सारे मठ में रहता है, फॉर व्हाट, किस लिए? बोले ये अभ्यास योग के लिए। अगर ये अभ्यास योग नहीं हुआ तो किस लिए मठ में हो? मठ में रहना जरूरी नहीं है, घर में चले जाओ। अभ्यास योग, दे आर डूइंग अभ्यास योग अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरुदेव, गुरु वैष्णव, गो ऑन ट्राइंग,
today or tomorrow, you can get habituated. ये हो जाएगा अभ्यास में. आज जो प्रचेष्टा है डेली कर रहे हो गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, काल वो स्वभाव में बदल जाएगा. समझा? आज कोई दारू पीना दोस्तों का सामने किया, काल भी किया और एक महीना बाद भी किया, आस्ते आस्ते उसका अभ्यास में. आज जो प्रैक्टिस है काल वो अभ्यास में बदल जाएगा. भाई बी केयरफुल. तो ये अपराकृत जगत का विषय है और भगवान श्री कृष्ण, और ज़्यादा एक्यूरेटली श्रीमद् भागवत जी महापुराण में एकदम क्लियरली उद्धव को बताए, बहुत क्लियर. बोले ये जो माया है, माया का प्रभाव से बाहर जाने का एक ही रास्ता, देयर इज वन एंड सिंगल वे. इफ यू वांट टू फॉलो इट स्टिल ओके, इफ यू डोंट लाइक टू फॉलो स्टिल ओके. अगर ये इसको फॉलो करना चाहो तो अच्छा है, कामयाब हो जाओगे. भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताएं, रजस्तमश्च सत्येन सत्यंच उपशमेन च, रजस्तमश्च सत्येन सत्यंच उपशमेन च, एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जयेत. पुरुषो ही अंजसा जयेत, अंजसा माने वेरी इजीली, चुटकी लगा के संसार जय हो जाएगा. अच्छा, इतना इजी? यस, इतना इजी है. आप पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हो कि माया जय होता नहीं महाराज, मन कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो क्या करें हम. प्रोसीजर बताया हुआ है, वेरी इजी, सबसे सीधा पद्धति है. रजस्तमस्य सत्येन सत्यंच उपशमेन च, एतत् सर्वम गुरु भक्त्या. गुरु भक्त में सप्तम विग, सेवेंथ केस एंडिंग, कारक विभक्ति में सप्तम, गुरु भक्त गुरु में भक्ति करो, इसके द्वारा हो जाएगा. लेकिन सदगुरु होना चाहिए, सदगुरु का सेवा करो तो तुम भी सत बन जाओगे. सुबह में समय नहीं मिला, नहीं तो और थोड़ा व्याख्या करने का अनुभव हो रहा था, लेकिन आदमी समझेगा नहीं, क्या करे. समय का कमी के कारण खुल्ला में खुल्ला बता नहीं सकता. वहाँ एक बात बताया था, जो ये जो गुरु सेवक जो है, गुरु सेवा सुबह में बताया था, जो सेवा हम करते रहे उसका क्वालिटी हमारा अंदर में आ जाएगा. समझा? कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचारे, है ना चैतन्य चरितमृत में, एक कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचय. हाउ इज दैट पॉसिबल? कृष्णों को, कृष्णों का सेवा हम करते रहे, कृष्णों हमारा अंदर में, कृष्णों का जो गुणावली है सारे आ जाएगा, सारे आ जाएगा. सिर्फ ये क्रिएशन सृष्टि का क्षमता और रास आदि जो लीला, ये संभोग लीला, ये भक्तों का अंदर में आएगा नहीं. कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारे, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, कृष्ण भक्तों का अंदर में कृष्णों का सारे क्वालिटी आ सकता है, बट बी केयरफुल. भगवान का कोई स्पेशल क्वालिटी है, दैट इज ओनली विद भगवान, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू यू. जब भी भगवान का इच्छा होता है, ब्रह्मा का अंदर में दिया है, हम आशीर्वाद कर दिया, ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा को दिया ना. चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी भागवत में है ना, भगवान बोल रहा है, हम तुमको ये सृष्टि करने के लिए क्षमता दे दिया, अब तुम करो. और ये पावर भगवान ने ही दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा का कोई अपना क्षमता नहीं है. ये जितना सारे भक्त लोग है वो अगर भजन करें, भगवान का शक्ति, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का शक्ति भक्तों के अंदर में आ सकता है. लेकिन विशेष क्वालिटी जो है, जो एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर भगवान, नॉट फॉर एनी बॉडी, इट कैन नॉट बी गिवन, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड.
ये स्पेशल क्वालिटी छोड़कर बाकी जो गुणावली है सारे भक्तों के अंदर में आ सकता है। कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकुली संचारे, ऐसे कैसे हो सकता है? जो सेवा हम करें जिंदगी भर, हम जो सेवा करते रहे, सेवकों का क्वालिटी हमारा अंदर में आ सकता है, आने का 100% पॉसिबिलिटी है। समझा? मैं जिस वस्तु का सेवा करूं उसका क्वालिटी मेरा अंदर में आएगा। सेवा मतलब अंतर का चाहत, विद ग्रेट टेनासिटी, विद ग्रेट अट्रैक्शन। गुरु सेवा हमने तो किया महाराज, हमने रोटी बना के खिलाया, माला दिया सब। अरे तुमने गुरु सेवा किया, गुरु का क्वालिटी तुम्हारा अंदर में आ नहीं रहा। तुमने रोटी खिलाया, कपड़ा चेंज किया, सब किया, बट गुरु का गुणावली तुम्हारा अंदर में आ नहीं रहा, उसका मतलब तुम्हारा गुरु सेवा ठीक नहीं हुआ। बी केयरफुल, इट्स ए साइंटिफिक इशू। सारे समाज उल्टा रास्ता पे जा रहा है, दे कैन नॉट गिव प्रॉपर गाइडेंस। एक्चुअली हम अगर गुरु का सेवा करें, सिलसिला भक्ति प्रमोद पुरी कृष्ण महाराज का वास्तव सेवा करें, तो गुरु का क्वालिटी हमारा अंदर में हर हालत में आ सकता है, 100% पॉसिबिलिटी इज देयर, नहीं तो होगा नहीं। इसीलिए सुबह में एक बात बताया था, वास्तव जो गुरु का सेवा करता है वो खुद गुरु बन जाता है। मेरा बात समझा नहीं कोई आदमी, क्यों ऐसा बात क्यों बताया? जो वास्तव गुरु सेवा करता है वो कभी लोगू नहीं रह सकता। हम लोगू रह जाए जिंदगी भर, जन्म जन्म में लोगू रह जाए, अब गुरु का सेवा किया, हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं खुद लोगू, लोगू भूमिका में विचरण कर रहा हूं और गुरु का सेवा किया, हाउ इज दैट पॉसिबल? संभव नहीं। हम अगर सिर्फ भक्ति प्रमोद पुरी कृष्ण महाराज का सेवा किया होगा तो गुरु का क्वालिटी मेरा अंदर जरूर आएगा। ये समाज संसार विचार करके देखे, अगर नहीं सेवा किया तो आएगा नहीं। सेवकों का गुणावली, सेवकों का गुणावली सेवक का अंदर में हर हालत में आ सकता। जब भागवत में बोला ये किसी मूल्यवान कीमती जो पोखराज है ना, स्टोन है ना, वो स्टोन को सामने रखो और देखोगे उसका जो क्वालिटी है, उसका जो गुणावली है, पोखराज है, प्रवाल है, बहुत सारे स्टोन हैं, हाँ बहुत सारे कीमती स्टोन हैं, वो स्टोन को रख दो किसी स्वच्छ जगह में, उसका क्वालिटी इसमें इसका अंदर में रिफ्लेक्शन होगा, मिरर के सामने आएगा, उसका दूति, उसका जो बिछूरन लाइट का वो आएगा, चुनी पन्ना, इसका देखना परीक्षा करके जहाँ रखोगे बहुत कीमती स्टोन, उसका जो पावर है वो सामने वाला उसका ऊपर पड़ेगा थोड़ा। हाँ तो ये जो है, जैसा संग करोगे, जैसा संग करोगे, जैसा संग में विचरण करोगे, वैसा क्वालिटी आपका अंदर में आएगा। अब आदमी आ रहा है सत्संग करने के लिए, असत बन के जा रहा है घर में, वो कैसे संभव है? बोले महाराज आज सत्संग करने के लिए हमने आया है। तुम्हारा सत्संग करने के लिए आए हो तो सत्संग करके जाओ, तुम कैसे असत रह गया? तुम अगर सत्संग करने के लिए आए हो, तुम कैसे असत बन के घर में गया? निश्चित तुम सत्संग नहीं कर रहे हो। फिजिकली एंड मेंटली टोटली फ्रॉम हार्ट यू विल हैव टू डू सत्संग। सत्संग अगर दिखावा है तो वो सत्संग का असर जो है आपका ऊपर नहीं पड़ेगा। मेरा बात समझा? गुरुपाद पद में चला गया, प्रभुपाद चला गया, मैं दिन भर उनका चरण का, गुरु का, प्रभुपाद का चरण का ध्यान करते रहता हूँ, तो वो लोग का कोई कृपा नहीं होगा मेरा ऊपर? ये हो सकता है? ये हो सकता है? प्रभुपाद को हम बताया, हम रोया, प्रभुपाद कृपा करो बचाओ मेरे, प्रभुपाद नहीं बचाएगा? हो सकता है? तो सत्संग मेरा हो नहीं रहा है,
भवति भवार्णवे तरणे भवार्णव तरणे नौका। ये जगत में सत्संग है, ये समाज संसार को पार करके संसार का पार जाने का रास्ता है साधु संग। बट यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, व्हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? संग नहीं हो रहा है, सत्संग नहीं हुआ। श्रील सागर महाराज जी के सामने हजारों आदमी आ रहा है, बट वो ये महात्मा का संग नहीं करके जाता, संग नहीं लेके नहीं जाता। महाराज जी के पास हजारों आदमी आया लेकिन कोई प्रतिज्ञा करके बोल नहीं सकता कि हमने गया श्रील महाराज जी के सामने, उसका सत्संग करके आया है। हु कैन स्पीक लाइक दैट? हु कैन स्पीक? बट आई कैन प्रॉमिस, हमारा संग में महाराज जितना समय रहा बाहरी प्रचार में जहाँ भी हो, उसका बचपना, उसका शिशु सुलभ जो सरल व्यवहार मेरा अंदर में एक छप्पा लगा के गया। श्रील गुरु जी का, श्रील भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज जी का, ये महाराज महाजन का, सारे मैं जब रहा वो लोग मेरे को कृपा करके सामने रखा। मैं अगर उसका संग नहीं किया होता तो आज मेरा व्यासासन में बैठने का अधिकार भी नहीं होता। आई हैव नो राइट टू सीट इन दिस व्यासासन। वो लोग बैठाया तब बैठ रहा हूँ, वो लोग बुलवाता है तो बोल रहा हूँ, मेरा कोई अपना कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, तू माया जय करने के लिए इतना परेशान हो रहे हो, वाई तो बहुत ईजी है। ऐसे उद्धव तो नित्य पार्षद है, उद्धव का कोई माया नहीं है, वो तो हमारा परीक्षा के लिए बोल रहा है। उद्धव जी का कोई माया है? वो तो नित्य पार्षद है, वो तो बोल रहा है ऐसे माया जाए का रास्ता बताए। भगवान बोलते माया जाए तो वेरी इजी है। रजस तमश्च सत्येन, सतगुण देकर रजतमो को जय करो। ये उद्धव रजतमो को जय करो सतगुण देकर, उसका बाद ये सतगुण को भी लात लगाओ। अरे महाराज सतगुण को लात लगा? यस, सतगुण को भी लात लगाओ, झाड़ू लगाओ, वो दरकार नहीं है। सतगुण दरकार नहीं, नहीं सतगुण दरकार नहीं। फाइनली जब भगवान को भजन करना शुरू कर दोगे गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा, निष्कपट भाव, बी केयरफुल, निर्वलिक निष्कपट भाव, इसका ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस ही है। तब देखोगे सतगुण देके कोई काम नहीं होगा। सतगुण भी हमारा तुम्हारा लिए बंडेज है। सुखे बंधात, सुखे बंधन थी, सुख सुख के द्वारा ये बंधन में रखेगा तुमको। सुखे सुख के द्वारा, सतगुण में सुखी होता है आदमी, ये सुख तुम्हारा बंधन, फांसी का फंदा बन जाएगा। तो सतगुण हमको नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? शुद्ध सतो चाहिए। शुद्ध सतो मैं सतगुण को फिल्टर करके, सतगुण को प्यूरिफाई करके एकदम प्योर सतगुण चाहिए, जिसमें जिस सतगुण का अंदर में कोई मिलावट नहीं है। प्योर सतगुण, एकदम प्योर सतगुण मतलब जिस सतगुण का अंदर में कोई रजतम गुण तो नहीं रहेगा और ये जगत का सतगुण भी नहीं रहेगा। शुद्ध सतो भूमिका में उन्नीत होना है, वो सब हो जाएगा वेरी इजिली, वेरी इजिली। ऐसा करके कैसे? एतत् सर्वम गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जयेत। सब गुरु सेवा के द्वारा हो जाएगा, लेकिन इतना गुरु सेवा हो रहा है, इतना गुरु सेवा का बहाना हो रहा है, लेकिन हमारा कोई तरक्की नहीं हो रहा है। क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है इसका पीछे? हमारा गुरु सेवा नहीं हो रहा है। दुखी मत बनो, सच्चा सुनने के लिए हिम्मत होना चाहिए। सच्चा सुनोगे इसका लिए भी हिम्मत होना चाहिए, नहीं तो हिम्मत नहीं होगा। हम सच्चा बोलना शुरू कर दिया आप भागोगे, इसके लिए भी हिम्मत होना चाहिए। तो ये जो श्लोक देके मैं शुरुआत किया था,
उसमें भागवत जी महापुराण में दसम स्कंद में 87 अध्याय दसम स्कंद का अंतिम शेष में 87 अध्याय में बहुत सारे सुंदर वेदांतों का बहुत सारे तत्व है। वहाँ बोला देखो ये जो जितना सारे जीव है ये सारे पागला घोड़ा है, उसका जो मन है पागला घोड़े का माफी मुनस्तुरगम, ये जस्ट लाइक मैड। पागल घोड़े क्या करता है, पागल घोड़े को आप कंट्रोल में नहीं ला सकते हो, संभव नहीं। पागल घोड़े का अंदर इतना पागलपंती है, कोई उसी का ऊपर चढ़ने का कोशिश करे वो फेंक देगा और अपना सामने जो हुफ है एकदम एक लात लगा देगा, अब ब्लड निकालेगा और मर जाओगे। कलकत्ता में जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है वो मैदान है, वहाँ घोड़ा माउंटेन पुलिस है और ऐसा ऐसा लात लगाता है पूरा एकदम खून निकल के मर जाता है। पागल घोड़े, ये पागल घोड़े का साथ ये मन को अवशीभूत मन, वशीभूत जो मन है वो तो अपना कंट्रोल में रहेगा, लेकिन गुरु वैष्णव का सेवा करते करते आपका अंदर में पूरा सेटलमेंट है। सेटलमेंट जानते हो, माइंड का सेटलमेंट, फाइनल आउटकम। सेटलमेंट मतलब मन का अंदर में कोई यार उचाटन नहीं है, पूरा सेटल हो गया और मन एकमुखी हो गया। जो सुबह में हम बता रहा था एक श्लोक, यशो देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। यशो देवे पराभक्ति, पराभक्ति इसका व्याख्या हम सुबह में थोड़ा बहुत किया, सिसिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बोल रहे हैं ये पराभक्ति का माने हैं, ये है अकिंचना भक्ति। ये अकिंचना भक्ति निष्किंचन, कोई चाहत नहीं रहेगा। साधक का जिंदगी में ऐसा अवस्था होनी चाहिए जिस समय में उसका दुनिया का कोई चीज तो नहीं, दुनिया अनंत ब्रह्मांडों का कोई वस्तु नहीं चाहिए। ही इज टोटली और सी इज टोटली डिटेस्टेड, हमारा अंदर में कोई टेस्ट नहीं है। खाना दे रहे हो तो खा रहा हूं और पहनने के बोल रहे पहनना हो, कोई टेस्ट नहीं है। ये दुनियादारी का कोई चीज में अगर टेस्ट मिलता है, लड़की देखने के बहुत मजा लग रहा है तो आपका लिए कुछ नहीं होगा, ब्रह्मचर्य जो नहीं होगा कभी भी नहीं हो सकता अगर टेस्ट हो रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी एक दफा बताया था, जब तुम्हारा ये आंखों से कुछ चीज जब तुम्हारा ये आंखों से कुछ देखने का कोई इच्छा नहीं रह गया, प्रभुपाद जी बोला बता रहे एक दिन, जब ये आंखों से दुनिया का कोई चीज देखने का कोई इच्छा ही नहीं है, जब कानों से दुनिया का कोई चीज सुनने का कोई इच्छा ही नहीं है, जब ऐसा हालत होता है तब हरिभजन का एक अपॉर्चुनिटी सुजोग आता है, तब हरिभजन हो जाता है। ऐसा नहीं, इट्स ए न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट नाउ ऑनवर्ड यू कैन गो। ये न्यूट्रल पॉइंट, जब दुनिया का कोई चीज हमको आनंद नहीं दे सकता है, सिर्फ सागर को सही आनंद दे सकता है, इसका पीछे क्या रहस्य है, इसका पीछे क्या रहस्य है। दुनिया का इतना सारे चिंदत चीज है, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको गुरु वैष्णव अच्छा लग रहा है, तब हमारा हरिभजन का रास्ता ग्रीन सिग्नल, इट इज कॉल्ड ग्रीन सिग्नल, नाउ यू कैन गो। तब तक आपको बहुत कष्ट करना पड़ेगा। जब आंखों से कुछ चीज देखने का इच्छा ही अवशेष नहीं रहेगा, कानों से दुनिया का कोई चीज सुनने का कोई इच्छा नहीं है, जब नासा से कुछ दुनियादारी का एसेंस जो सुंदर गंध है लेने का इच्छा नहीं है, हैं? जब इस जिह्वा से कुछ दुनिया का कोई दुर्गंध दूषित चीज खाने का कोई इच्छा ही नहीं रहेगा, जब मेरा त्वचा जो है चावड़ा अच्छी सागर को सीमा के चरण कमल को स्पर्श करने के लिए व्यस्त हो रहा है, कोई लड़की को स्पर्श करने का कोई इच्छा रुचि नहीं है, तब सोचो कि नाउ यू आर ऑन ए न्यूट्रल पॉइंट, नाउ यू कैन स्टार्ट योर हरिभजन इफ यू वांट एट ऑल। अब इस अवस्था में आप अगर बोलोगे
ए महाराज हरि भजन का कोई इच्छा नहीं हो रहा है, तो माया का तो बाहर गया हूँ, तो माया का बाहर गया है, माया का बाहर जरूर गया, माया का बाहर तो जरूर गया आप, लेकिन हरि भजन नहीं होगा, क्योंकि असत्संग त्यागे वैष्णव आचार, असत्संग छोड़ने का बाद व्हाट यू आर डूइंग एट प्रेजेंट, असत्संग त्यागे वैष्णव आचार इट्स ओके, असत्संग चला गया मेरा जिंदगी में, बट नाउ व्हाट इज योर यू नो कंडीशन, व्हाट यू वांट, असत्संग जय हो गया, असत्संग आपको इच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है इट्स ओके, ठीक है असत्संग जय करने का बाद आपका क्या इच्छा हो रहा है, असत्संग छोड़ने का बाद अगर सत्संग करने का इच्छा नहीं हो रहा है तो नो इट पसियो, आप मायावादी बन जाओगे, असत्संग छोड़ दिया, दुनिया का कोई चीज आपको कोई कष्ट नहीं दे रहा है, माया का जय हो गया, इट्स ओके अच्छा है, असत्संग तय करने का बाद सत्संग का कोई इच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप मायावादी बनोगे, फिर गिर जाओगे, असत्संग का साथ साथ असत्संग त्याग वैष्णव आचार, इसका साथ साथ साइमल्टेनियसली यू शुड थिंक महाराज असत्संग त्याग बोल रहा है, इसका मतलब असत्संग को त्यागो, सत्संग को पकड़ो, क्वाइट नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक है, अगर महाराज ना बोले फिर भी ये स्वाभाविक है, असत्संग त्याग उसके साथ सत्संग को ले अपनाना, पकड़ लेना और जिंदगी में छोड़ना नहीं, जिस दिन छोड़ेगा माया देवी तुम्हारा गला को घोट कर माया का संसार में कुएं में फेंक देगा, मैं ये प्रवचन बोल रहा हूँ ये भागवत का सामने रखकर, मेरा बात झूठा नहीं होगा, अगर गुरु वैष्णव तुम्हारी रुचि नहीं है, तुम कपट हो, तुम्हारा बचने का कोई रास्ता नहीं, सदगुरु वैष्णव के सामने निष्कपट हो जाओ, निष्कपट हो जाओ, अपना दिल को खोलो, महाराज हमारा अंदर में ऐसा गंदगी है, खोल के दिखाओ, क्लियर करो, हमारा अंदर में ये सब डार्टी चीज है, गंदगी है महाराज, हमको क्लियर करो, हमको बचाओ, जैसे चैतन्य महापुरुष साक्षात भगवान होके ईश्वर परिपद का सामने जो बोला एई आमी देह तमाय करिनी समर्पण, हैं बोला ना दीक्षा लेने का समय, ये दीक्षा का प्रोसीड्योर है, एई आमी देह तमाय करिनी समर्पण, आ संसार समुद्र हईते हमको बचाओ, गुरुचरण में दीक्षा का समय में ये शिष्य का आरती होनी चाहिए, दीक्षा का प्रोसीड्योर अगर परफेक्ट है, दीक्षा का प्रोसीड्योर अगर परफेक्ट है, जो दीक्षा दे रहा है वो भी अगर परफेक्ट है, तुम भी अगर परफेक्ट हो, दीक्षा लेने के लिए आए हो, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, तुम दीक्षा लेने के लिए आए हो, तुम भी परफेक्ट हो, जो गुरु दीक्षा ले वो भी परफेक्ट है, एंड द प्रोसीड्योर हर हालत में ठीक है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बिटवीन, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, इंस्टेंट पावर आ जाएगा, जब दीक्षा लोगे गुरु भरपूर कृपा कर देगा और कृपा बन जाए, और सेवा करते रहो और तुम भी गुरु बन जाओगे, लघु गुरु सेवा करते करते खुद गुरु बन जाता है, लघु अगर विचार करे मैं गुरु सेवा किया लेकिन लघु रह जाएगा जिंदगी भर, ये हो ही नहीं सकता, जिसका सेवा करे सेवकों का क्वालिटी सेवक के अंदर में आता रहता है ऑटोमेटिकली, तो गुरु सेवा किया हमारा गुरु जी का क्वालिटी मेरा अंदर में नहीं आया, हाउ इज दैट पॉसिबल, संभव नहीं, तो ये प्रोसीड्योर है, इसीलिए मैं सुबह में व्याख्या नहीं कर पाया, लेकिन बोला था गुरु सेवा करते करते खुद शिष्य गुरु बन जाता है, गुरु सेवा करते करते खुद शिष्य खुद गुरुमय हो जाता है, गुरु बन जाता है, ये नहीं कि गुरु सेवा जिंदगी भर किया लेकिन खुद मैं लोघू रह गया, बाचाल रह गया, माया का अंदर में रह गया, ये हो ही नहीं सकता, तो उद्धव जी को जो उपदेश वाणी भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया, ये हमने बताया, रजस्तमस्य सत्येन सत्यं च उपशमेन च,
रजस्तमों को सतगुण दे के डिफिएट करो, उसके बाद सतगुण को भी लात लगाओ। कैसे? उपोसमे न चौ। ये द्वितीय विभक्ति है संस्कृत मास्टर, थर्ड केस एंडिंग, उपोसमे न चौ बाई द्वारा, किसके द्वारा? उपोसमे न चौ। उपोसम मतलब, उपोसम मतलब डॉक्टर बैठा हुआ है, उपोसम मतलब है रोगों का उपोसम हो जाए, रिमेडी। ये उपोसम कैसे होगा? ये उपोसम के बारे में हमने बताया, पक्का सतगुण को, शुद्ध सतों को प्राप्ति करने के लिए सदगुरु वैष्णव का सेवा करते चलो, और एकादशी आदि श्रद्धाय अध्याय निरुद्धाय ये सब करते चलो, उपवास, और पूरा इंद्रियों को संयम करो, आँखों के द्वारा कृष्ण वस्तु देखो, कृष्णमय देखो जगत, गुरुचरण देखो, कोई लड़का लड़की मत देखो, आँखों का शुद्धि हो जाएगा। आहार शुद्ध्यात मनोशुद्धि, आहार शुद्ध्यात मनोशुद्धि, आहार मतलब आँखों का आहार है जगत का दृश्य, जगत का सिनारी है वो देखना, मेटेरियल सिनारी, तो इसको लगा दो कृष्ण दर्शन में, वैष्णव दर्शन में, भगवत कथा देखो, विविध जो आता है हरि कथा देखो, सुनो हरि कथा को, प्रवचन को देखो सुनो, ऐसा करते चलो। ऐसा करते करते के श्रद्धाय अध्याय ये सब निरुद्धाय से करो, और संयम नियम सब करते करते उपोसमय ने चाहो, मतलब द प्रोसीड्योर थ्रू व्हिच यू कैन गेट प्यूरिफाइड, ये प्रोसीड्योर है उपोसमय न चाहो। बहुत सारे बिग प्रोसीड्योर है, उपोसमय न चाहो, उपोसमय के द्वारा तुम्हारा अंदर में जो सतगुण है उसको भी लात लगाओ। सतगुण दरकार नहीं, सतगुण को फेंक दो, इसके बाद शुद्ध सतगुण आ जाएगा। रजस्तम सत्यन सत्यन च उपोसमेन, उपोसमेन च, उपोसम के द्वारा सतगुण को भी फेंक दो, सतगुण दरकार नहीं, और शुद्ध सतगुण को अपनाओ, वो सत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जब हो जाएगा तब आपका क्या होगा? तब माया जय हो जाएगा। एतत् सर्वम गुरो भक्ता, गुरु वैष्णव का सेवा करते चलो, प्योर गुरु वैष्णव का, जिसका अंदर में कोई आकांक्षा नहीं है, आशा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा प्योर वैष्णव का सेवा करते चलो गुरु वैष्णव का, तो आपका अंदर में ये पावर जो है आ जाएगा, तब कृष्ण भजन पक्का बन जाएगा एकदम 100%। लेकिन बिफोर दैट, उसका पहले आपको बहुत बहुत वेरी केयरफुली आपको भजन करना चाहिए, नहीं तो बहुत केयरफुली, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्योर गुरु वैष्णव। बीजी तो ऋषि को वायु वीरदंत मुनोस्तर को हमने बताया, तो इसको ये मन को पागला घोड़े का साथ तुलना किया गया, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू गेट कंट्रोल ओवर योर माइंड, बिकॉज माइंड इज वेरी फ्रिकल, इट्स लाइक विंड। गीता में भगवान की अर्जुन बोल रहा है, ये तो वायु का माफी, वायु रिव सुदुष्कर, वायु को जैसे कंट्रोल कैसे करे, वायु तो चलते रहता है। अरे हाँ अर्जुन, तुम ठीक बताया, मनः दुर्निग्रहम चलम, लेकिन अभ्यासेन तु कंतियो वैराग्येण च अग्रयत। दैट अभ्यास मीन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इट इज कॉल्ड अभ्यास योग, इट इज कॉल्ड अभ्यास योग बाय द गाइडेंस ऑफ, अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु वैष्णव अभ्यास योग हुआ। बीजी तो ऋषि को वायु वीरदंत मुनस्तुरगम जय जतंतियंतुमति लोल मुकाय खिद व्यसन सतामृत समबहाय गुरु शरणम बनिज इवाज संत कृत कर्ण दराज लुधौ। ये श्लोक में बताया, जो व्यक्ति मन को कंट्रोल करने का जितना प्रयास प्रचेष्टा किया, आज तक मन को कंट्रोल करने का जो जितना प्रयास किया, दे आर ऑल फेल्योर। ए आज तक मन को कंट्रोल करने का जितना सारे प्रयास प्रचेष्टा किया है, सारे फेल्योर हो गया।
कैसे, ये जो श्लोक बताया उधर बताया, जैसे एक नाव है बोट, ये बोट का अंदर में आप बैठे हुए हो, बट बोट देयर इज नो बोट मैन, बोट को चलाने के लिए, शिप को चलाने के लिए देयर इज नो बॉडी, कोई नहीं है। और इसी समय में हवा का झोंका आया, ए स्ट्रॉन्ग विंड कमिंग नाउ, यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू कंट्रोल योर बोट, तुम्हारा जो बोट का हालत है वो पाक मर रहा है, घूम रहा है पागल का, अभी अभी वो चले जाएगा पानी के अंदर में, तुम भी मरोगे। हाँ, ये बताया ये श्लोक में सुंदर, जैसे एक बोट है उसमें आप बैठे हुआ खुद, बट देर इज नो बोटमैन हु कैन कंट्रोल द बोट। इस अवस्था में क्या हालत हो सकता है जब एक स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रॉन्ग आया, इतना वायु आया कि ये पागल बना देगा आपको, अब वो अब हमारा मरने का हालात हो गया, अब बचाने का कोई नहीं है। गुरु कर्णधारम, गुरु वैष्णव को ये संसार का कर्णधार कंट्रोलर है माना गया पूरा तमाम शास्त्रों में। अगर ये गुरु वैष्णव का करेक्टर ठीक नहीं है, ये गुरु वैष्णव का आचरण ठीक नहीं है, तो हु इज गोइंग टू गिव ऑनर टू यू एंड व्हाट इज द रिजल्ट इफ आई कम टू मोट। जो गुरु वैष्णव को सामने रखकर पूरा समाज संसार आगे बढ़ने का प्रयास प्रचेष्टा कर रहा है, उसका खुद का करेक्टर ही ठीक नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है खुद का ऊपर, तो हु कैन कंट्रोल, क्या होगा। ये हालत हो गया आज का जमाने में, आज का जो पूरा समाज संसार का हालत यही हो गया, वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने का कारण हालत बिगड़ गया। सुबह में और एक पॉइंट भी हम बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बलदेव विद्याभूषण बार बार बहुत खेत का साथ बहुत दुख के साथ बताया, हमारा परंपरा शुद्धि होना चाहिए, परंपरा का शुद्धि ये जरूरी है, इट्स ए बिग फैक्टर, वेरी वाइटल पॉइंट, परंपरा का शुद्धि, इसका मतलब समझा क्या मतलब है, इसमें प्योरिटी होना चाहिए। हमारा जो परंपरा चल रहा है प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद गौरकिशोर बाबाजी महाराज तिलक भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति प्रणोदपुरी कृष्ण महाराज, इसका बाद अगर कोई लाइन ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है तो हुम टू फॉलो एंड हाउ टू फॉलो, किसको हम फॉलो करें, ग्रीन सिग्नल चाहिए ना, इसके बाद भी अगर नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाए। इसलिए बलदेव विद्याभूषण जी ने बताया कि विशुद्ध गुरु परंपरा विक्षेप रहित, विष्णु जी ये शब्द व्यवहार करा, विक्षेप रहित गुरु परंपरा आवश्यक है, ये जो बलदेव विद्याभूषण ये शब्द व्यवहार किया, विक्षेप रहित विक्षेप शून्य गुरु परंपरा चाहिए, जिसमें कोई मिलावटी नहीं है, प्योर गुरु का शक्ति शिष्य के अंदर आते रहेगा। जैसे हमने चैतन्य चैतन्यमित में आप देखोगे श्रील माधवेन्द्र पुरीपाद जी का तमाम शक्ति भरपूर शक्ति ईश्वर पुरीपाद जी का अंदर में पहुंचाना, पूरा तमाम गुरु सेवा करते करते ईश्वर पुरीपाद खुद गुरु हो गया, जे कृष्णम बंदे जगत गुरुम कृष्ण चैतन्यम बंदे जगत गुरुम, वो उसका चरण में सहारा ले रहा है। सोच जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है तो कृष्णम बंदे जगत गुरुम और श्री कृष्ण चैतन्यम बंदे जगत गुरुम, ये तो हो सकता है, ये कृष्ण चैतन्य जय वो सारे स्वयं रूप भगवान, भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान और कृष्ण चैतन्य दोनों एक ही है, स्वयं रूप भगवान, स्वयं रूप भगवान मतलब इसका पीछे और कोई कारण नहीं है, स्वयं रूप भगवान मतलब भगवान से अवतारा बोली जो आ रहा है सब आ रहा है, लेकिन इसका पीछे और कोई कारण नहीं है, कृष्ण इज द अल्टीमेट सोर्स अल्टीमेट रीजन, किसका कृष्णों का और कोई कारण नहीं है, कृष्ण फाइनल, इसलिए स्वयं रूप भगवान बोला जाता है। स्वयं रूप भगवान मतलब जिसका जो प्रकाश जिसका जो स्वरूप
किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, खुद स्वयं प्रकाश। ये स्वयं प्रकाश विग्रह है चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण एक ही है, कभी कृष्ण रूप में कभी कृष्ण चैतन्य रूप में आता है। इस अवस्था ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो खुद ईश्वर प्रतिपाद को गुरु माना, ईश्वर प्रतिपाद को खोर गुरु माना। क्यों क्यों गुरु माना? ईश्वर प्रतिपाद अपना गुरु माधवेंद्र गुरु सेवा करते, खुद गुरुमय हो गया, खुद गुरु हो गया। अगर नहीं गुरु होता तो चैतन्य महाप्रभु क्यों उच्च चरण आश्रय लिया? लेकिन रामचंद्रपुरी का हालत क्या है, वो गुरुचरण में अपराध करते करते ऐसा बेसहारा हो गया, इतना इतना गिरा हुआ इंसान हो गया कि हम लोग उसका मुख तक शकल नहीं देखना चाहता, उसका मुख नहीं देखता, उसका शकल देखना माना है। ये माधवेंद्र पर खुद बोला, ए जाओ चले जाओ, तुम जाओ ज्योति थोथी, जहाँ ताओ तुम चले जाओ, तुम्हारा मुख देखने से मेरा हालत खराब हो जाएगा, जाओ। देखो चैतन्य जी लिखा हुआ है, माधवेंद्र पर खुद बोला, तुम्हारा मुख देख शकल देखने से मेरा हालत खराब, तुम जाओ चले जाओ जहाँ को। गुरु उपेक्षा कर दिया, गुरु उपेक्षा कर दिया, वो गिर गया, गिरा हुआ इंसान बन गया। तो गुरु जिसको उपेक्षा किया, इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखा है, ये पॉइंट को ध्यान देना, जोसो प्रसादात भगवत प्रसादो जोसो अप्रसादात नगुत गुतोफी, जिसका कृपा होने के कारण तमाम दुनिया में तुम्हारा ये हो जाएगा, भगवत प्रसाद मिलेगा, ठाकुर जी का कृपा मिलेगा। आज जिसका अप्रसाद जो अप्रसन्न होने से तुम्हारा दुनिया में किसी जगह कोई स्थान नहीं हुआ, जहाँ जाओगे लात खाओगे, वही जगह कोई निस्तार नहीं है, इसलिए बताया। तो ये जो श्लोक विजित ऋषि को वायु विरदंत मनस्तरगम, ये जो बताया इसका मतलब है, बद्ध जीव अपना प्रयास प्रचेष्टे के द्वारा, बद्ध जीव अपना प्रयास प्रचेष्टे के द्वारा अपना मन का ऊपर कंट्रोल नहीं जमा सकता है, नॉट पॉसिबल। इसलिए गुरुचरण आश्रय इस वाइटल पॉइंट रसामृत सिंधु में, इसलिए रूप गोस्वामी पाद लिखा, अदो गुरु पदाश्रयो तस्मात कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम एट ऑल द क्वेश्चन ऑफ टेकिंग सेल्टर अन टू द लोटस फीट ऑफ गुरुपाद पद्म कमिंग। फर्स्ट पॉइंट, गुरुचरण में अदो, गुरुचरण में आश्रय नहीं हुआ है तो भजन नहीं हो सकता। भजन का शुरुआत गुरुचरण का वास्तव आश्रय के द्वारा ही शुरू होता है, अदो गुरु पदाश्रय, गुरुचरण आश्रय जरूरी है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुरुचरण आश्रय का मतलब ये नहीं है वो गुरुजी का 10,000 शिष्य है फॉरेन में जाता है, चलो ये गुरु का आश्रय ले ले। आम आदमी का बुद्धि इतना खराब हो गया कि वो ऐसा ही चिंता कर रहा है, महाराज इसका प्रभाव ज़्यादा है, जाने से अच्छा होगा, इसका 10,000 शिष्य है, गौर के बाजू एक भी शिष्य नहीं, वहाँ मत जाओ, मंदिर नहीं हो, कुछ नहीं हो, जाके क्या करे, नदी का किनारे पड़ा रहता है दूध, इस बार कहाँ जाए, जाके क्या करे। गौरी मठ में ये एक इवोल्यूशन है, पूरा दुनिया का इतिहास में गौरी मठ का जो जो विषय है, इट्स ए ग्रेट इवोल्यूशन, इतना बड़ा इवोल्यूशन है कोई जगत में सोच नहीं सकता। ये प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी जी ने प्रमाण करके छोड़ दिया कि देखो आम आदमी क्या बोलेगा, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज का मेटेरियल एजुकेशन नहीं है, है मेटेरियल एजुकेशन नहीं है। और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद पूरा वर्ल्ड में नंबर वन पंडित है, वर्ल्ड में नहीं अनंत ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में अनंग मंजूरी और राधा राधा रानिया उसका जो है नयन मंजूरी, नयन मन मंजूरी हैं, ये सब तो राधा रानी के नीचे जन, तो अनंत ब्रह्मांड में इसका इसको बढ़कर कोई पंडित तो हो सकता है? प्रभुपाद इज द टॉप मोस्ट पंडित इन होल यूनिवर्स, इन्फिनिटी यूनिवर्स आई वुड से, अनंत ब्रह्मांड में टॉप मोस्ट पंडित, एक गुरु का आश्रय लिया जिसका कोई विद्या नहीं है, व्हाट ए काइंड ऑफ जोक यू सी, ग्रेट इवोल्यूशन।
इतना बड़ा इवोल्यूशन कोई दिखा के नहीं गया। प्रभुपाद प्रभुपाद ने प्रमाण करके गया, देखो देखो हमने आश्रय लिया है गुरु। आइए गुरु जी का अंदर में क्या है, भगवान का पूर्ण कृपा है। अपरोक्षो अपरोक्षो परोक्षो सारे अनुभूतियाँ, जितना सारे अनुभूतियाँ हैं सारे गौरकिशोर बाबा जी महाराज का है ना, है सारे डायरेक्ट फीलिंग है भगवत सेवा का। तो गौरकिशोर बाबा जी महाराज बाहरी दृष्टि में कोई शास्त्रों नहीं जानता, जानता नहीं बोले महाराज बाहरी दृष्टि में शास्त्रों नहीं जानता है, लेकिन शास्त्रों का पूरा तमाम शास्त्रों को जैसे मिल्क को और योगार्ड जो है उसको चर्निंग करके जो क्रीम निकालता है, गौरकिशोर बाबाजी महाराज शास्त्रों का विचार आपका सामने बोल नहीं सकता। बाहरी दृष्टि में शास्त्रों नहीं पढ़ सकता, लेकिन तमाम शास्त्रों को मंथन करके जो क्रीम निकालता है इट इज़ ऑलरेडी देयर विद गौरकिशोर बाबाजी, समझा। तो शास्त्र है ही है, बाहरी दृष्टि में बाबाजी महाराज लेक्चर देने नहीं जाता, लेकिन गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज का अंदर में तमाम दुनिया का जो सत शास्त्र है भागवत पुराण आदि उपनिषद आदि जितना सारे वेदांत आदि इसका जो आउटकम है क्रीम है स्टारिंग करके, वो क्रीम ऑलरेडी देयर विद गौरकिशोर बाबाजी, देन व्हाट यूज, सारे हैं और डायरेक्ट फीलिंग भी है भगवान का प्रत्यक्ष सेवा करता है। तो गौरकिशोर बाबा जी महाराज का चरण आश्रय लिया प्रभुपाद जी ने, ये बिग इवोल्यूशन है। और एक पॉइंट हम बोल के आज का प्रवचन समाप्त करना चाहे, टाइम भी हो गया। ये दूसरा पॉइंट है, आचरण नहीं रहने से उसको आचार्य जो नहीं बोला जाता है। आची नोति जो स्वास्थ्यार्थम स्वयं आचरे स्थापयति, स्वयं आचरते जस्मात् आचार्यो स्तेन कीर्तिता, क्यों उसको आचार्य बोला जाता है। सिलो भक्तिपूर्ण पुरी गोस्वामी महाराज, सिलो गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, सिलो पर्वत गोस्वामी महाराज, सिलो सागर गोस्वामी, वाई दे आर आचार्य, बिकॉज आचार्यों का जो इंस्ट्रक्शन है ऑल वी कैन गेट इन अप्लाइड फॉर्म इन द लाइफ ऑफ सिलो सागर गोस्वामी महाराज। शिला सागर गोस्वामी महाराज का जीवन जिंदगी में शास्त्रों का जैसे एप्लीकेशन है, जैसे अप्लाइड फिजिक्स पढ़ता है ना, अप्लाइड केमिस्ट्री अप्लाइड फिजिक्स, सो ऑल वी कैन गेट इन अप्लाइड फॉर्म इन द लाइफ ऑफ शिला सागर गोस्वामी महाराज। शिला सागर गोस्वामी महाराज के जीवन जिंदगी में तमाम शास्त्रों का जो एप्लीकेशन है उसका प्रयोग जो है इसका अंदर में देखा है। कोई गुरु का अंदर में शास्त्रों का कोई एप्लीकेशन नहीं देखा जाता है, ही इज नॉट एक्चुअली गुरु। गुरु शुड हैव ए बिग इन्फ्लुएंस सो दैट ही कैन पुट ए इन्फ्लुएंस माने इम्पैक्ट इन टू हार्ट ऑफ ए इंक्लाइंड डिसाइपल। इंक्लाइंड डिसाइपल मीन शरणागत शिष्य का अंदर में गुरु अपना जो भजन का जो प्रभाव है प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ हैं, ही कैन ट्रांसफर इन द लाइफ ऑफ ए disciple who is having 100% submission, जिसका 100% submission है अनुगत है, उसका अंदर में गुरु जी अपना जो फीलिंग्स है वो डाल सकता है दे सकता है, ही कैन इनकालकेट और ट्रांसफर ये हो सकता है। जिस गुरु का अंदर में शिष्यों का अंदर पावर देने का क्षमता नहीं है उसमें वीकनेस है, वो गुरु पक्का गुरु नहीं है। या तो गुरु पावरफुल है शिष्य नकल है कपट है इसलिए पावर नहीं आ रहा है, या तो गुरु कपट है और नहीं तो हो ही नहीं सकता, इज द टू पॉसिबिलिटी इज देयर, ये संभावना है। जब ये पॉइंट हम बाद में जब समय होगा व्याख्या करें पूरा उदाहरण देखे, आज इस तक रहे, समय भी हो गया। बीजी तो ऋषि को वायु विरदांत मुन स्थुरगम जय अजतंत यंत मति लोलम पाय खिद व्यसन सतामृत समवाय गुरु शरणम मनि जय वाज संत कृत कर्ण धरा जलधौ
वांछा कल्पतरुष के पास सिंधु व्यवच पतितानंग पावन वैष्णव्यो नमो नमः। हाँ क्वेश्चन है, हाँ बोलो वेट। हाँ नो नो डिफरेंस गुरुदेव प्रो गुरुदेव का प्रकट समय में आपका सुविधा ज़्यादा है। यू कैन डायरेक्टली सी गुरुदेव, यू कैन अप्रोच गुरुदेव डायरेक्टली, सो यू हैव 100% फैसिलिटी। उस समय में जो कृपा मिल रहा है और अप्रकट भूमिका में जो कृपा, इसमें कोई पार्थक्य नहीं है। मेरा गुरुजी चला गया लेकिन गुरुजी का कृपा मेरा ऊपर नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे आ रहा है सब। अप्रकट अप्रकट भूमिका में कृपा का कोई पार्थक्य नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रकट भूमिका ज़्यादा कृपा मिले, अप्रकट भूमिका नहीं मिले, ऐसा नहीं। बट द मोड इज टोटली डिफरेंट। प्रकट भूमिका में यू हैव योर फैसिलिटी टू अप्रोच गुरुदेव। अप्रकट भूमिका में अगर आपका स्थिति बहुत ऊंचा है देन यू कैन सी गुरुदेव इज विथ यू ऑल द टाइम। गुरुदेव आपका संग में है ये देख सकता, अप्रकट भूमिका में देख सकता। अगर आपका पावर है, भजन किया है तो आप देख सकते हैं गुरुजी हर वक्त मेरे को कंट्रोल कर रहा है, जैसे मेरे को कंट्रोल कर रहा है। हर वक्त मेरा हर क्रियाक्रम गुरुजी कंट्रोल कर रहा है, हर वक्त उठना बैठना खाना चलना कुछ भी हो जाए सब बनाए सब गुरुजी। जो भी है डॉक्टर, वो कुछ क्वेश्चन है आपका, हैव यू एनी क्वेश्चन? नो। तो आज का सुबह का कथा और शाम का कथा दोनों मिलाकर बहुत ध्यान से सुनना। यू कैन गेट ए डायरेक्ट इंडिकेशन हाउ टू प्रोसीड। बहुत साइंटिफिक बातें हैं आज। अब पहले नहीं आया जो भी है। और एनी अदर क्वेश्चन यू हैव।